हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब ठीक होंगे और तैयारी ठीक चल रही होगी। हम लोगों ने इडियम्स एंड फ्रेजेस के छः पार्ट कर लिए हैं और भी आगे हम लोग और इन पार्ट्स को करते रहेंगे और सारे इडियम्स आपके सामने लाते रहेंगे जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सातवें पार्ट की तरफ चलते हैं और हमेशा की तरह हम लोग एक बार देखते हैं कि कौन कौन से इडियम्स हैं जो हमें पढ़ने हैं और एक बार देखते हैं कि क्या हमें पहले से ही इन इडियम्स का मतलब पता है। तो पहला जो इडियम्स है वो है हमारा नेक्स्ट टू नथिंग। सेकेंड वाला इडियम्स है आउट ऑफ द क्वेश्चंस। थर्ड का मतलब है पुट अ लॉन्ग फिश। फोर्थ है हमारा रेड टेपिज्म, जो कि हम लोगों ने पहले के पार्ट में पहले कर लिया है, तो आई होप कि आप लोगों को पता होगा इसका मतलब। फिफ्थ नंबर पे हमारे शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, ये हम लोगों ने पढ़ा तो नहीं है अभी हमारी सीरीज में, लेकिन आपको पहले से पता होगा मगरमच्छ के आंसू जिसे कहते हैं। टॉल टॉक है हमारे पास सिक्स नंबर में। सेवन में हमारे पास स्मॉल फ्राई है। देन वी हैव टेक द फ्लोर, देन वी हैव थ्रू एंड थ्रू, एंड देन वी हैव टेक टू टास्क। तो चलिए जरा इनके मीनिंग समझते हैं। पहला है नेक्स्ट टू नथिंग। तो नेक्स्ट और नथिंग को हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई नथिंग है, कोई चीज़ है जो कि नहीं हो सकता, नथिंग हम उसको कहेंगे कि कुछ नहीं है। और नेक्स्ट टू नथिंग मतलब उस कुछ नहीं से भी नेक्स्ट, तो जो कुछ नहीं से भी नेक्स्ट होगा वो और ज़्यादा इम्पॉसिबल होगा, उसके चांसेस होने के और ज़्यादा क्या होंगे, रेयर होंगे। तो इसको कहेंगे नेक्स्ट टू नथिंग को इम्पॉसिबल और अनसर्टेन भी कह सकते हैं आप, इम्पॉसिबल और अनसर्टेन भी कह सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट हमारे पास है आउट ऑफ द क्वेश्चंस। आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब भी होता है, जैसे आप कभी कभी पेपर देते होंगे तो सिक्स सेवन्थ की क्लास में कई बार ऐसा होता था कि आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन वो पेपर जो है आउट ऑफ सिलेबस आ जाता था। तो जो आउट ऑफ सिलेबस आ जाता था आप उस क्वेश्चन को नहीं करते थे, या फिर वो क्वेश्चन आपके लिए नहीं होता था। तो आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब भी हम लोग यही समझेंगे, इररेलीवेंट। इररेलीवेंट ऐसा कुछ जो आपसे रिलेटेड नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आप एनडीए का एग्ज़ाम तो दे रहे हैं, लेकिन एनडीए के एग्ज़ाम में मान लीजिए बायोलॉजी नहीं आती है। लेट्स टेक एन एग्ज़ाम्पल, ये मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ कि बायोलॉजी नहीं आती है, और अगर कोई बायोलॉजी पढ़ रहा है तो हम उसको ये समझेंगे कि वो क्या है, इररेलीवेंट है। उसके बाद चलते हैं पुट अ लॉन्ग फेस। पुट अ लॉन्ग फेस का मतलब होता है टू लुक सैड, टू लुक सैड। सैड मतलब दुखी होना। आपने देखा होगा कई बार हम लोग कहते भी हैं कि यार आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है। तो चेहरा क्यों उतरा हुआ है इसका मतलब हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि आप दुखी क्यों हैं, आप सैड क्यों दिख रहे हैं। तो ये हो गया हमारे थर्ड का। फोर्थ का तो हम लोग जानते हैं, मैंने एग्जाम्पल दिया था SBI बैंक का, और इसको हम लोग बोलेंगे टू मच ऑफिशियल फॉर्मैलिटी। फॉर्मैलिटी है ना, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ही फॉर्मैलिटी देखने को मिल रही है उसको हम लोग कहेंगे रेड टेपिज्म। उसके बाद चलेंगे सेड क्रोकोडाइल टीयर्स, इसका मतलब होता है मगरमच्छ के आंसू, मतलब झूठ के आंसू। और टू लुक व्हाट इज नॉट रियल है ना, ऐसा कुछ जो कि सही नहीं है, जो कि रियल नहीं है, उसको हम लोग बोलेंगे मगरमच्छ के आंसू। इसके ऊपर आपने स्टोरी भी सुनी होगी मगरमच्छ और बंदर की, जिसमें बंदर पेड़ पे चढ़ा होता है और मगरमच्छ को बंदर को खाना था, तो वो क्या कहता है, बोल रहा है बंदर को कि भाई आप आओ और मैं आपको अपनी पीठ पे पूरे समुद्र की सैर करवाऊंगा। लेकिन क्या होता है, बंदर बोलता है कि मैं अगर आऊंगा तो तुम मुझे खा जाओगे। तो मगरमच्छ रोने लगता है। तो जब वो रोने लगता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि बंदर मगरमच्छ को ये दिखाना चाह रहा था, या मगरमच्छ बंदर को ये बताना चाह रहा था, काट दीजिए कॉल कोई बात। तो मगरमच्छ बंदर को ये बताना चाह रहा था कि भाई मैं आपका क्या हूँ, बेस्ट फ्रेंड हूँ, या फिर मैं आपको खाने नहीं वाला हूँ, है ना, उल्टा मैं आपके लिए क्या रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ। लेकिन होता क्या है, जैसे ही बंदर नीचे उतरता है मगरमच्छ उसको खा लेता है। तो ये क्या है, ये सेड क्रोकोडाइल टीयर्स वाली बात है कि आप क्या कर रहे हैं, आप दूसरे को झूठा दिखावा कर रहे हैं। इसको कहेंगे टू लुक व्हाट इज नॉट रियल। टॉल टॉक की अगर बात करें तो हम लोग कहते हैं बड़ी बड़ी बातें करना, और बड़ी बड़ी बातें का मतलब वही होता है आप ऐसी बातें कह रहे हैं जो कि रियल नहीं हैं या फिर एग्जैचरेट हैं। और इसको हम लोग एक और वर्ड बोलते हैं टू बॉम्बास्ट।
बम्बास्ट का मतलब होता है बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना। जैसे आपने एडवर्टीजमेंट देखा होगा, एडवर्टीजमेंट टीवी पे आते हैं, साबुन का एडवर्टीजमेंट आता है, एशियन पेंट का एडवर्टीजमेंट आता है, तो वो पेंट का एडवर्टीजमेंट जब आप देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि सबसे बेस्ट पेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो क्या है, बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। आप आजकल एक पेप्सी का आता है स्ट्रिंग करके, अपना चार्जर साथ लेकर के चलो, तो स्ट्रिंग से वो ये बताता है कि स्ट्रिंग आप पियेंगे तो आप चार्ज हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, आप 50 माले तक बहुत आसानी से चल लेंगे। लेकिन ये क्या है, एग्जैचुरेशन है। ये कैसा है, ये बहुत बढ़ा चढ़ा कर कह दिया है। स्मॉल फ्राई हम लोगों ने पहले कहा है, इसका मतलब होता है अनइम्पॉर्टेंट पर्सन या फिर इनसिग्निफिकेंट पर्सन। हम लोगों ने पहले करा है इसका मतलब ऐसा कुछ जो इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब आगे की बात करें, टेक द फ्लोर। टेक द फ्लोर का मतलब आप इस तरीके से करें कि मान लीजिए कोई फ्लोर है और जिस पे कोई स्पीच दे रहा है, तो जब कोई स्पीच देगा तो वो क्या करेगा, वो उस फ्लोर को ले रहा है। और मान लीजिए कोई दूसरा पर्सन उस फ्लोर पे आ गया, है ना, तो दूसरा पर्सन आ गया तो अब उस फ्लोर को वो हैंडल कर रहा है, तो इसको बोलेंगे टेक द फ्लोर को टू मेक अ स्पीच, है ना, टू मेक अ स्पीच। आगे की बात करें, अगर हमारे पास है थ्रू एंड थ्रू, तो थ्रू एंड थ्रू का मतलब हम लोग देखेंगे इंटायरली। इंटायरली मतलब कंप्लीटली भी बोल सकते हैं आप इसे, कंप्लीटली। अच्छा, एक और चीज देखना जरा, थ्रू एंड थ्रू में थ्रू का मतलब होता है, एक प्रेपोजिशन भी होता है थ्रू, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसका मतलब होता है कि एक दूसरे के आस, मतलब कोई बीच में कोई ऑब्जेक्ट है और उसके पार जब आप देख सकते हैं तो उसको कहते हैं थ्रू, या फिर गुजरना भी जिसको कहते हैं। तो थ्रू एंड थ्रू मान लीजिए ऐसा दो ऑब्जेक्ट हो गए और अगर आप दोनों के पार देख पाते हो तो इसका मतलब आप कैसे देख पाते हो, कंप्लीटली और इंटायरली। नेक्स्ट हमारे पास है टेक टू टास्क। तो टेक टू टास्क का मतलब होता है टेक टू पनिश, और टू पनिश भी आप कह सकते हैं, टेक टू पनिश और टू पनिश भी आप कह सकते हैं। तो ये हमारे 10 idioms हो गए, शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, टॉल टॉक, ये बहुत आसान है बात कर याद करना, बड़ी बातें करना। स्मॉल फ्राई हम लोगों ने बहुत पहले याद किया हुआ है, स्मॉल मतलब छोटा, और जो छोटा होगा वो इम्पोर्टेंट नहीं होगा। टेक द फ्लोर को भी आप आसानी से याद कर सकते हैं, टेक द फ्लोर मतलब फ्लोर को भाई मैंने ले लिया, अब मैंने ले लिया मतलब मैं स्पीच दे रहा हूँ, है ना, तो इसको भी आप याद कर सकते हैं। थ्रू एंड थ्रू को भी याद कर सकते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना, ट्रांसपेरेंट होगा तो वो इंटायरली क्या है, विजिबल है, या इंटायरली पॉसिबल है, आप जो मर्जी जैसे मर्जी वैसे याद करें। सेड क्रोकोडाइल टीयर्स हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, रेड टेपिज हम लोगों ने पहले कर लिया। पुट अ लॉन्ग फेस का मतलब होता है, जैसे बोलते हैं कि मुंह उतरा हुआ क्यों है आपका, तो उसको बोलते हैं पुट। अच्छा, कहीं कहीं पर यह पुल भी लिखा रहता है, पुल अ लॉन्ग फेस, वो दोनों एक ही है, तो इसका मतलब तो लुक्स है। आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब आउट ऑफ द सिलेबस आप मान करके चलें, और जो आउट ऑफ सिलेबस होगा वो इररिलेवेंट होगा आपको करने के लिए। जैसे आप आईटी का पेपर देने जा रहे हैं और वहाँ पे साइंस का कोई क्वेश्चन आ गया, तो वो क्वेश्चन आपके लिए कैसा हो गया, आउट ऑफ द क्वेश्चन या इररिलेवेंट हो गया। और नेक्स्ट टू नथिंग का मतलब होता है कि जो पॉसिबल नहीं है, नेक्स्ट टू नथिंग। अब मैं क्या करता हूँ आप लोगों के सामने, मैं कुछ हमेशा की तरह कुछ idioms, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं आपको कुछ idioms लास्ट में पूछता हूँ, आप बताना इनके आंसर क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इनके मीनिंग्स यहाँ पे हाइड कर लेता हूँ, और अब आप बताइए इनके मतलब। तो ये आपके सामने हो गए 5 idioms। तो क्या आप इन 5 idioms के मतलब जानते हैं। रेड टेपिज्म हम लोगों ने पहले किया हुआ है, नेक्स्ट टू नथिंग सबसे पहला वाला था, सेड क्रोकोडाइल टीयर्स एक्चुअली मिट गया है यहाँ पे, स्मॉल फ्राई और टेक टू टास्क। अगर आपको आते हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 8 को लेकर के, जिनमें हम लोग कुछ और idioms करेंगे प्रीवियस ईयर में आए हुए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच।